फिबेड़ा में फैली रहस्यमय बीमारी का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ आज हेलीकॉप्टर से वहां जाएंगे और वहां फैली रहस्यमय बीमारी से बीते 10 वर्षों से 73 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सरकार भी बीमारी की जड़ तक पहुंचने के लिए हर संभव कवायद में जुटी हुई है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने देश के सयाती प्राप्त किडनी रोग विशेषज्ञों को मदद के लिए आमंत्रित किया है और चंडीगढ़ से डॉक्टर विवेकानंद झा और दिल्ली से डॉक्टर विजय खैर 2 दिन के लिए रायपुर पहुंचे हैं और इसके साथ प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारीक और संचालक नीरज बंसौर भी सुपेबेड़ा पहुंचेंगे। विशेषज्ञ 2 घंटे जांच के साथ ही मरीजों से बातचीत भी करेंगे और कल रायपुर में इस पर मंथन होगा। तो खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। दरअसल सुपेबेड़ा में जो काफी लंबे समय से बीमारी का प्रकोप जारी है और कई सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है बीमारी के चलते, उस बीमारी का ठीक तरीके से पता लगाने के तहत जांच टीम पहुंचेगी सुपेबेड़ा में। तो हेलीकॉप्टर से स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य संचालक भी, यानी स्वास्थ्य महकमा पूरा वहां पर पहुंचेगा, जांच करेगा और न सिर्फ जांच करेगा बल्कि वहां मौजूद लोगों से भी खासी बातचीत करेगा ताकि बीमारी की जड़ तक पहुंचा जा सके कि आखिर क्या वजह है जो लोगों का आंकड़ा बीमार होने के चलते बढ़ता जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वरा समता पुरुषोत्तम पात्रा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पुरुषोत्तम, स्वास्थ्य महकमा महासमुंद पहुंचेगा और बीमारी की जड़ तक पहुंचने के उद्देश्य से पूरी जांच की जाएगी, इसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, जिस तरह से सरकार बदलने के बाद यहाँ सुपेबेड़ा को लेकर लगातार एक जो प्रयास किए जा रहे हैं, तो उस प्रयास की कड़ी में आज जो है यहाँ पे 12 से 12:30 के बीच जो है राजधानी से जो मुख्य स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारीक, वो राष्ट्रीय स्तर की दो नेफ्रोलॉज जो राष्ट्रीय स्तर के ख्याति नाम डॉक्टर कहे जाते हैं विनय खेर और विवेकानंद जी करके दो चिकित्सक हैं, उनको लेके पहुंचने वाले हैं। स्थानीय अमला यहाँ पर पूरी तैयारी कर लिया है और बताया जाता है कि ये अब तक की जो जांच हुई है उस जांच के दरमियान जो सिम्टम्स पाए गए हैं, जो रिपोर्ट्स पाए गए हैं, वो रिपोर्ट्स उनके साथ होंगे। उसके अलावा वो इन रिपोर्ट के अलावा जो जो ख्याति नाम चिकित्सक हैं वो सीधे बीमार और उनके जो परिजन हैं उनसे रूबरू होना चाहते हैं। आसपास के माहौल किस तरह से है, कि दैनिक जीवन में किस तरह से ये उपयोग कर रहे हैं सामग्री और अन्य जो अन्य बिंदुओं पर ये सीधे रूबरू होकर कम से कम 2 से 2.5 घंटे का कार्यक्रम यहाँ बना हुआ है। सीधा सुपेबेड़ा में वो मरीजों से रूबरू होंगे और जानने की कोशिश करेंगी कि आखिर एक सुपेबेड़ा में ही ऐसा क्या है जहाँ अब तक पिछले 4 या 5 साल में 72 लोगों की मौत हो गई है, 200 से ज्यादा लोग बीमार पड़े हुए हैं। तो ये वजह को ढूंढने का प्रयास जो है ये राष्ट्रीय स्तर के चिकित्सक करेंगे। इससे पहले जो 1 दिन पहले एम्स के डॉक्टर वहां पहुंचे हुए थे और एम्स की चौथी बार एम्स की टीम यहाँ पहुंच रही है, लेकिन राज्यपाल पहुंचे यहाँ पे, 3 बार स्वास्थ्य मंत्री आए हुए थे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पुरुषोत्तम।